लार्ज नगेट्स, न्यू डिप, चॉकलेट पैनकेक, वॉफल, बनाना मिल्कशेक, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, व्हिप क्रीम ऑन माइन. वाओ, समवन्स हंग्री. ओह हनी, वी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. पैक करो. दोस्तों, डबल एक्सेल इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है साइज. इस फिल्म में इन बातों पर फोकस किया गया है कि अगर कोई मोटा हो तो उसे किन बातों को फेस करना पड़ता है सोसाइटी में. It's nice to meet you. I am so sorry. What is wrong with you? If you would just lose some weight, maybe you wouldn't have such a hard time being normal. I see all of these beautiful. फिल्म की स्टोरी लाइन ओके ओके है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, कुछ लोगों को मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, एक नया विजन शायद उन्हें मिल सकता है. इस फिल्म में एक ऐसे कुछ बातों पर जोर दिया गया है कि अगर कोई इंसान थोड़ा ज्यादा हेल्दी है तो उसके पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ कितनी इफेक्ट होती है. The prevalence of the scene was shoot up in New Delhi and London. तो इस फिल्म में है सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी, और इन दोनों को थोड़ा ज्यादा हेल्दी बताया गया है, और इस वजह से उन्हें क्या फेस करना पड़ता है और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ये दर्शाया गया है. और ट्रेलर ओके ओके है और ज्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा. हाँ, जो लोग ज्यादा हेल्दी है उनको शायद ये फिल्म इंस्पायर्ड करे. ट्रेलर देख कर ऐसा लगता है कि ड्रामा के साथ साथ हल्की फुल्की कॉमेडी भी डाली गई है. इस फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी ने काफी सारा वेट पुट ऑन किया है. इस फिल्म की स्टोरी लाइन में दम 50-50 लग रहा है, और किरदार की एक्टिंग में और डायरेक्टर की डायरेक्शन में अगर दम है तो ये फिल्म लोगों को पसंद जरूर आएगी. एंड ऑफ कोर्स स्टोरी में भी कुछ बात होनी चाहिए. ये फिल्म रिलीज हो रही है 4 नवम्बर 2022 को, और इस फिल्म को लीड कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी. डायरेक्टर सीतारामन रमानी के बारे में अगर बात करूं तो उनको ज्यादा फिल्मों का एक्सपीरियंस नहीं है. इस फिल्म के राइटर है मुदस्सर अजीज और साशा सिंह, और प्रोड्यूसर है मुदस्सर अजीज और अश्विन वर्दे और भूषण कुमार. इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है मिलिंद जोग, और इस फिल्म का बजट करीब 50 करोड़ बताया गया है. तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. आपको इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसे लगा ये भी बताइए. दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले रिव्यू में. तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ. साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से?